तकलीफ झेल रहे हैं, तो बंदी बना लिया है, ऊपर से खाना भी नहीं दे रहे. लाइफ बहुत ख़राब हो चुकी है और हम शूट भी कर रहे हैं गर्मी में या धूप में. इतने दिनों से मैं ऐसे ही बनियान में घूम रहा हूँ और काफ़ी हेक्टिक है शूट, लेकिन आई एम श्योर कि सीन्स अच्छे निकल कर आएंगे, देन ऑल द पेन इज़ वर्थ इट. अच्छा, तो मकर संक्रांति तो सबसे बेकार गया होगा इस बार का, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं मिला. हाँ, शो में खाने के लिए चीज़ें रखी गई हैं सामने, खिचड़ी है, तिल के लड्डू हैं, घी है, ये है वो है, और कमल नारायण रागिनी पूरा लालच दे रहे हैं कि अगर जीतेगी चकोर तो सूरज को मिलेगा, और सूरज देख रहा है खाना क्योंकि इतने दिन से भूखा है, तो देख रहा है कि अगर शायद आज खाना मिल जाए, फिर भी नहीं मिलता. और चकोर के साथ जिस तरह किया जा रहा है, आपको खाना उसे और ह्यूमिलेट किया जा रहा है. पहले तो उसका धोखा होता है, जीतने वाली होती है, हार जाती है, फिर उसके साथ पानी वगैरह फेंक रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और तब गुस्सा आता है जिसने दो तीन दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, अचानक उसके अंदर सनी देओल की आत्मा आ जाती है. अच्छा, तो क्या ट्विस्ट और टर्न देखने मिलेगा दर्शकों को यहाँ? ट्विस्ट एंड टर्न्स तो बहुत सारे हैं एक्चुअली. ये जो ट्रैक जब से चालू हुआ है तब से ट्विस्ट टर्न होते ही रहे, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स को अच्छा लगेगा बिकॉज हम लोग बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, और कैसे इस सिचुएशन से निकलते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि वो अभी तक मुझे भी नहीं मालूम है कि कैसे निकलना है, बट समथिंग विल बी बिग. हमारे 700 एपिसोड खत्म हो गए हैं, एंड आई विश एंड प्रे कि आपको पसंद आता है हमारा काम और 1700 तक जाएं, तो प्लीज़ प्रे फॉर अस. थैंक यू.